पार्टी में गुंडों को तरजीह मिलने का आरोप लगाने वाली प्रियंका चतुर्वेदी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को अपना इस्तीफा सौंपा। आज सुबह ही उन्होंने अपनी ट्विटर प्रोफाइल से कांग्रेस प्रवक्ता हटा दिया था और अब प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना में शामिल हो गई हैं। उन्होंने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में शिवसेना ज्वाइन की। शिवसेना में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि मैं मुंबई के लिए काम करना चाहती हूँ, यही कारण है कि इस दल में शामिल हुई हूँ। कांग्रेस में जब कुछ लोगों ने उनके साथ बदसलूकी की, लेकिन वापस उन्हें पार्टी में अगर जगह दी जाती है तो इससे उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी। प्रियंका ने कहा कि मुझे पता है अब मेरे ऊपर सवाल उठाए जाएंगे, पिछले ट्वीट्स को उछाला जाएगा, लेकिन मैंने सोच समझ कर ये फैसला लिया है। मुझे उम्मीद थी कि लोकसभा का टिकट जरूर मिलेगा, लेकिन मैं उससे निराश नहीं थी। आपको बता दें कि प्रियंका के खुलासे वाले ट्वीट के बाद से ही उनके हक में कई आवाजें खड़ी हुई थी। ट्विटर पर ही कई बड़ी हस्तियों ने कांग्रेस नेतृत्व से उनके दोषियों के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही है, लेकिन अब तो प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना में शामिल हो गई हैं। उनके इस पार्टी में शामिल होने पर आपकी क्या राय है, अपना जवाब हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और आपके अपने चैनल हेडलाइंस यूपी को भी सब्सक्राइब कीजिए।